हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th न्यू एडिशन मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज फिर हम न्यू प्रॉपर्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन या ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, पॉइंट नंबर पहला, हम क्या करते हैं कि इसमें तीन रियल नंबर, तीन नंबर होंगे एक्स वाई जेड जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। जब मैंने रियल नंबर बोल दिया तो इसका मतलब यही है कि ये रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो पहली, दूसरी बात, अब इसमें पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, याद रखना कि कोई भी हम जैसे ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी यानी काम की नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने सेट में आपने शायद पढ़ा हो, तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है सेट के अंदर। तो चलो वो बात को छोड़ो, हम तो रियल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के हिसाब से। तो पॉइंट नंबर पहला कि अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूं वाई प्लस जेड से, तो ये बराबर होगा एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई जेड। अब देखो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि ये एक्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मतलब एक्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके ऊपर, एडिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो एक्स को इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको इससे किया तो ये आया, इसको इससे किया तो ये आया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वजह से ही इस प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब देखो एक्स किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो इस समय इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ये किसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम राइट बोले तो देखो y प्लस जेड इंटू एक्स, तो यहां भी सेम आएगा। देखो x इंटू वाई, एक्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्योंकि हम एक्स को राइट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ लेफ्ट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस इस वजह से कह रहे हैं। तो इस वजह से कि हम एक्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब ये किसके हिसाब से था, एडिशन के हिसाब से। अब हम क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो, ओवर मल्टीप्लीकेशन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला ओवर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, देखो इसमें भी तीन रियल नंबर होंगे, तीन रियल नंबर होंगे, इसका भी पॉइंट नंबर पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर पहला ये कि अगर हम एक्स को वाई इंटू जेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू जेड, तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम दूसरी बात करें, अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं एक्स को इस तरफ से मल्टीप्लाई करूं
वाई एक्स इंटू जेड एक्स, तो ये ला राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ला। तो अक्सर ये ज्यादातर ये एमसीक्यूज के अंदर आते हैं कि इस तरफ अगर z x मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कौन सा ला होगा, और इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कौन सा ला होगा। तो आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही था। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला किसे बोलते हैं। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए वेरी थैंक यू मच, और थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें और मैथ हमसे सीखते रहें। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप कमेंट के अंदर बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछें और मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।